कुत्ता भी प्यार समझता है। यदि प्यार से आप उसे रोटी देंगे, प्यार से हाथ फेरेंगे तो वो आपके आसपास रहेगा, और यदि आप उसे डांटेंगे मारेंगे तो वो समझ लेगा, फिर वो दूर भाग जाएगा। मतलब कुत्ता भी प्यार समझता है, हाँ या ना। गाय भी आप प्यार से हाथ फेरो वो आपको चाटने लग जाएगी, और डंडा दिखाओ तो दूर खड़ी हो जाएगी। मतलब गाय भी प्यार समझती है, हाँ या ना। मतलब हर जीव आपसे, आप जंगल में रहने लग जाओ तो आपसे गिलहरी प्यार करने लग जाएगी, गिलहरी आपके पास आएगी, बंदर भालू जितने जंगली जीव हैं, आप रहने लग जाइए जंगल में, आप देखेंगे कि उन जीवों को आपसे प्यार हो गया है और आपको भी उनसे लगाव हो जाएगा। क्योंकि हर जीव चाहे कोई हो, हर जीव प्यार समझता है, प्यार को फील सब करते हैं। बता ना आपको, गाय बछड़े को जन्म देती है तो गाय क्या करती है, चाटती। वो चाटना क्या है, गाय का प्यार ही तो है, ममता ही तो है, हाँ या ना। हर माँ चाहे कुत्ता बिल्ली किसी योनि की माँ हो, वो अपने, अब कुतिया देखो ना, जाती है दिन भर यहां वहां खाती है और जाती है और अपने बच्चों के पास समय से जाती है, लेट जाती है, उसके बच्चे उसका दूध पीने लग जाते हैं। कहीं भी होगी, कितना भी घूमेगी, लेकिन वो समय से बच्चों के पास जाएगी जरूर, जहां उसके बच्चे उसने जन्म दिए होंगे। बात समझ में आ रही है। मतलब वो कुत्ता बिल्ली भी प्यार को समझते हैं, हाँ या ना। तो भगवान प्यार के सागर है, जितना भी प्यार जीव मात्र में बरस रहा है, ये प्यार बरसाने वाली इनका नाम पड़ा बरसाने वाली, राधा। राधा ही प्यार बरसाती हैं हर जीव पर। यदि वो प्यार बरसाना छोड़ दे तो कुतिया अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देगी, गाय अपने बच्चे को चाटना छोड़ देगी। ये प्यार बरसा रही है बरसाने वाली। आपके अंदर प्यार है इसलिए बच्चे को दूध पिलाती हो, यदि आपके अंदर प्यार ना हो तो फिर ये कोई माँ अपने बच्चे की मालिश क्यों करेगी, क्यों उसकी मलमूत्र साफ करेगी। भाई मलमूत्र किसे अच्छा लगता है, लेकिन उस प्यार के कारण माँ अपने बच्चे की हर गंदगी साफ करती है। जरा विचार करो कि किसी माँ के अंदर, अभी कल की प्रश्नोत्तरी में एक मैया आई, कल की प्रश्नोत्तरी की घटना, उसके पति ने, उसकी सास ने बोला कि महाराज जी ये मेरी बहू है, पति ने बोला ये मेरी पत्नी है, इसका बच्चा पैदा हुआ तो इसने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। मतलब वो, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में एक ऐसी स्त्री देखी जिसके अंदर अपने बच्चे के लिए कोई ममता नहीं, जन्म लिया बच्चे ने और उसने दूध नहीं पिलाया। और आज तक वो बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो अपनी माँ को नहीं पहचानता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी प्यार से अपने बच्चे को छाती से लगाया ही नहीं, और जबकि वो महिला पागल नहीं थी। आप समझे के साथ पागल हो, पागल भी नहीं थी। क्यों नहीं, क्योंकि उसके अंदर ममता नहीं थी, प्यार नहीं था। क्या नहीं है, सोचिए, ये प्यार एक व्यवस्था है। यदि ये प्यार, उस स्त्री के अंदर प्यार ना होने से उसका बेटा परेशान, उसका पति परेशान, उसकी सास परेशान, पूरा घर परेशान। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्यार नहीं है। ये प्यार एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप जरा विचार करिए कि स्त्रियों के अंदर से मां की ममता समाप्त हो जाए, वो बच्चे के प्रति प्यार समाप्त हो जाए, तो स्त्रियां कैसी हो जाएंगी। गाय के अंदर से वो ममत्व खत्म हो जाए तो गाय कैसी। कई बार गाय ऐसी होती है, लाख में कोई एक गाय ऐसी भी होती है जो बच्चे को चाटती नहीं, दूध नहीं पिलाती अपना। गाय बछड़े को जन्म देती है ना, बछड़ा बछिया को तुरंत पलट के चाटती है और चाट के फिर उसे अपना दूध पिलाती है। लेकिन लाखों में कोई एक गाय ऐसी भी होती है जो अपने बछड़े को या बछिया को चाटती नहीं है और दूध नहीं पिलाती, उसका बछड़ा उसकी बछिया ज्यादा जिंदा नहीं रहती। यदि दूसरी गाय का सपोर्ट है, दूसरी गाय ने पिला लिया तो वो जी जाएगा बच्चा, वरना मर जाएगा। मतलब प्यार एक बहुत बड़ी ईश्वर की जोर से क्या है, व्यवस्था है। प्यार एक बहुत बड़ी क्या है, पीछे वाली मैया, क्या है प्यार, प्यार क्या है, ए भैया बताओ, मूछों वाले, प्यार क्या है,
प्यार क्या है? एक व्यवस्था है जो हर स्त्री के अंदर अपने बच्चे के प्रति ममता होनी चाहिए। नहीं होगी तो ये पूरी सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी, पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो ईश्वर ने जो बनाया है सब ठीक बनाया है। ईश्वर का बनाया कोई भी विधान गलत नहीं है। जो जहां है परफेक्ट। इसलिए मां के अंदर जो ममता है वो ममता भगवान की देन है। इसलिए आपसे बस मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि जिसे देखा करो भगवान की दृष्टि से ही देखा करो। और ये ममता, ये प्यार कौन बरसाता है? जोर से बरसाने वाली। इसलिए हमारी राधा रानी का नाम है बरसाने वाली, जो प्रत्येक जीव पर ममता बरसाती हैं। वो ममता बरसाना छोड़ दें तो व्यवस्था बिगड़ जाए। हर जीव पर व्यवस्था बनाए हुए हैं ममता बरसा कर। नाम पड़ा बरसाने वाली। इसलिए राधा, राधा कौन है? आप राधा को यूं ही नहीं समझ पाएंगे। राधा रानी को समझना इतना भी सरल नहीं है। जितने लोग राधे राधे रट रहे हैं, रटना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस राधा तत्व को पहले जानना भी है। वो राधा बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय है। राधा अधिष्ठात्री है पूरी सृष्टि की। इस सृष्टि में जो प्यार नाम का शब्द है, जो प्रेम नाम का शब्द है, वो राधा से ही बना है। उस प्रेम की जननी राधा है, लव की जननी, प्यार की जननी, प्रेम नाम का जो पुरुष है, प्रेम नाम का जो पुरुष है। अच्छा बताओ, प्रेम स्त्री है या पुरुष है? हम आपसे प्रेम करते हैं, जब पत्नी भी अपने पति से बोलती है तो क्या बोलती है? हम आपसे प्रेम। तो प्रेम जो है, लव जो है, ये पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है? बोलो। ये समझो कि प्रेम की जन्मदात्री कौन है, प्रेम की जननी कौन है? प्रेम की जननी श्री राधा रानी है। बोलो राधे राधे। प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी। इस धरती पर जो भी प्यार करता है, चाहे अमेरिका, लंदन, जापान, कोई भी अपनी मां से, पत्नी से, पति से, एक पति पत्नी में भी क्या होना चाहिए? सोचो, पति के अंदर प्रेम ना हो, पत्नी के अंदर प्रेम ना हो तो गृहस्थी वीरान हो जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? मतलब प्रेम एक बहुत बड़ी व्यवस्था। एक विचार करो कि हमारे शरीर से प्रेम को हटा दिया जाए तो फिर आप रहेंगे क्या? वीरान हो जाएंगे आप, सूखा पेड़ हो जाएंगे आप। आपके अंदर का प्रेम ही आपको हरा भरा करता है। पति पत्नी के बीच में क्या हो? प्रेम। मां बेटे के बीच में क्या हो? इस सृष्टि में क्या चाहिए सबको? प्रेम। कुत्ता से लेकर बिल्ली से लेकर पक्षी, चिड़िया अंडे को जब रखती है और उसे सेक कर फोड़ती है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, तो वो चिड़िया जाती है दाना लेकर आती है और बच्चों की चोंच खुलती है तो उसकी चोंच के अंदर डालती है। वो उसे पता है कि ये खा नहीं पाएगा, तो वो चोंच यूं खोले रहते हैं, उसके अंदर यूं चोंच के अंदर वो दाना डालती है, जो भी लाती है। देखा ना आप लोगों ने, क्या है वो? प्रेम तो है ना। मां बच्चे के अंदर, उसके मुंह चोंच के अंदर खाना डाल रही है, प्यार है। ये जो चिड़िया के अंदर प्रेम है, वो प्रेम भी जो बरस रहा है वो भी बरसाने वाली का ही है। ये प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी।
इसलिए कृष्ण के संग रुक्मणी नहीं है। कृष्ण के संग कौन है? राधा, क्योंकि राधा आधार है। बोलो आधार, आधार, बोलो आधार, 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 आधार बोलेंगे तो अपने आप क्या निकलेगा? राधा। क्यों? क्योंकि प्रेम का आधार ही श्री राधा रानी है।